सब तो बेस्ट है ना जे बंदा अपनी बच्चियां लेके उन्हें उन्होंने की सेक्स सेवन करावे, उन्हें अच्छी परवरिश करे, उन्हें खुराक दा रात देना, उन्होंने की उन्हें पूरा ख्याल रखे, फिर तो सब तो बेस्ट है। सर उन्हें कुछ कास्ट भी घट पेगी गाय की, कुछ बंदे नु कास्ट भी घट पेगी? हाँ जी तकरीबन समझ लो भी उन्होंने की जड़ी छोटी तकरीबन 2-2.5 मान वाली बच्ची होंगी जी जी, वो तकरीबन ना कि 1-1.5 लाख रुपए दे विच तुहानू मिल जाए मुहैया हो जाएगी, मिल जाए ठीक है। ओदी परवरिश दे विच तुसा ना कि 40-50 हज़ार रुपया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज हम एक और डेयरी फार्म पे मौजूद है, उनके अनर हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे ये काम करते हुए कितना अर्सा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सब तो पहले तो अपना नाम और अपने फार्म की लोकेशन दस दो। सर मेरा नाम आमिर अय्यूब है, माशाल्लाह ठीक है, मखदूम रशीद जिला मुल्तान, मखदूम रशीद नाल बस्ती जलालाबाद, ठीक हो गया। हमारे ऐसे ही है तकरीबन 10 साल हो गए सानू ये काम करदे। माशाल्लाह जबरदस्त। सर अपने को केड़ी नस्ल दी गाय है? सर अपने को चोलिस्तानी भी हैं, फ्रीजन भी हैं, थोड़ा घट हो गया 22 तो 23 लीटर तक है एवरेज 22 तो 23 लीटर पर डे। हां जी ठीक है। तो सर 22 तो 23 लीटर जेड़ा दूध ले रहे हो उंदे ते पर डे खर्चा कितना कर रहे हो एक गाय ते? पर डे सर इनन नु ना मुख्तलिफ चीजें यानी कि इस्तेमाल कर लिया, सैलज हो गया, ठीक हो गया, जिवें तुसां ने किया इनन दी مقدار ज्यादा कर दे जाओगे ओ दूध दी مقدار तुहाडी ज्यादा हो जाएगी, ठीक हो गया। वंडा है सैलज या खाल वगैरह भी होना कि इस्तेमाल करी दे, मिनरल रहा, ठीक हो गया, इवें दी चीजें इस्तेमाल करी दे। सही है। तो सर इनका कोई एस्टीमेट लगाया कि पर डे खर्चा कितना हो रहा है गाय का? सर कोई मोटा एस्टीमेट तकरीबन सर तकरीबन पर डे तकरीबन 1000-1200 रुपए है। 1000-1200 रुपए पर डे? पर डे ठीक हो गया। तो सर इनके जेड़ा खाने लिए तुसी दे रहे हो उन्हें सैलेज ते वंडा जी जी, सैलेज तुसी अपने तैयार कर रहे हो? हां जी सैलेज अपने तैयार कर। तो वो सर किन्ने रुपए मान पै रहा? ये सर अपनी जमीन अपनी होवे ना तो फिर तो तकरीबन ये पै जांदा तकरीबन 400 रुपए मान च पै जांदा जरा तैयार करते थे। मार्केट चो परचेज करना वो मैक्सिमम 6-650 ठीक है। ते जरा वंडा सर वो भी अपना तैयार कर? नहीं वो ना की मार्केट, वो मार्केट चो ले रहे सर, ठीक है। अच्छा हुन ए दसो सर एक गाय जड़ी है वो पर डे च वंडा जरा सैलेज है वो कितना खा रही है? ये तकरीबन 20 किलो 25 किलो तकरीबन एक टाइम दा? एक टाइम ठीक है, यानी कि एक मन एक दिन च खा रही है? एक दिन च, ठीक हो गया। अच्छा सर हुन ए दसो के साडे जेड़े देखण वाले न्यू व्यूअर्स आ जी जी, उन्होंने अगर एक काम स्टार्ट करना चाहे हाँ जी हाँ जी, तो दो गायें तो अगर एक काम स्टार्ट करें हाँ जी हाँ जी, तो उन्होंने बारे दसो कि एक गाय का जरा रेट की है, अच्छी गाय जी है? अच्छी गाय सर जी होंगी ना 20-22 लीटर वाली जी, वो तकरीबन 5-5.5 लाख स्टार्ट होंगी, ठीक हो गया। बाकी उत्ते उन्होंने की नस्ल जिमें फ्रीजन आ अपना इन्होंने फ्रीजन का रेट ज्यादा होंगे ने तकरीबन 5-7 लाख, 8 लाख, 9 लाख तक भी है। जबरदस्त। हाँ जी ते सर अगर दो गायें तो कोई भाई काम स्टार्ट करता उन्होंने की मशवरा दोगे? स्टार्टिंग च उन्होंने केड़ी केड़ी चीज जेड़ी है उन्दे तवज्जो देनी पेगी? सर सब तो पहले ते एज ए मैं जट यानी जे भरावां नूं मशवरा दांगा, बिल्कुल अगर तुसा इन्हां दी निगरानी कर सकदे जे अच्छी तरीके जी जी, तुसा बजाते खुद इस चीज इस काम च यानी कि इंटरफेयर हो, हाँ जी हाँ जी, ते फिर ते ए काम शुरू करो, ठीक हो गया, यानी कि इन्हां दी निगरानी यानी कि जिवें एक बच्चे दी परवरिश करी दी है, बिल्कुल बिल्कुल, उस तरीके नाल आ कि जे तुसा इन्हां दी परवरिश करनी अच्छे तरीके करना जे चाहो ते फिर ए काम करो, करना नहीं हो सकदा, ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा सर हुण कुछ जिहड़े ने ना लोग इस चीज नूं भी तरजीह दे रहे क्योंकि हुण जिहड़ी तुसीं गाय दसी है 5-6 लाख दी जिहड़ी गाय है, अगर कोई भाई कोल इन्नी इन्वेस्टमेंट नहीं है ते वो अपनी अगर गाय तैयार करना चाहता है जी जी, उन्दे बारे की मशवरा देंदे वो बेहतर है अगर वो बच्चियां बाजारों लवे जी जी ते उन्हां नूं तैयार करे? हाँ जी हाँ जी। उस बारे कुछ? ये तो सर सब तो बेस्ट है ना जे बंदा अपनी बच्चियां लेके उन्हें सेक्स सेवन करावे, उन्होंने अच्छी परवरिश करे, उन्होंने खुराक दा रात देना, उन्होंने की उन्होंने पूरा ख्याल रखे, फिर तो सब तो बेस्ट है। ते सर उन्दे कुछ कास्ट भी घट पेगी गाय की, कुछ बंदे नु कास्ट भी घट पेगी? हाँ जी तकरीबन समझ लो भी उन्दे ना की जड़ी छोटी तकरीबन 2-2.5 मान वाली बच्ची होंगी जी जी,
ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਿਲ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ 40-50,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੀ 4-5 6-5.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ नया बंदा किन्ने के जानवर तो काम स्टार्ट करे दो तो तीन तो किन्ने के तो सारे कर सकते हैं ये तो बंदे ते ना अपने ते डिपेंड है अभी बंदे ते अपना यानी के वो बंदे को अपने को अमाउंट कितनी कितनी का ठीक हो गया अमाउंट दे सिर ते आज अगर दो तो स्टार्ट कर लो तीन तो स्टार्ट कर लो ठीक हो गया चार तो स्टार्ट कर सकते हैं ठीक हो गया फिर ऐसा ऐसा अल्लाह ताला ना ठीक हो गया अच्छा सर हूं लास्ट से अगर आप पूछे कि एक गाय जेड़ी है 20 तो 22 लीटर जेड़ा दूध तो आंदे जी जी उंदे च थानू पर डे एक गाय तो प्रॉफिट कितने होंदी सर ये तकरीबन इवें समझ लो भी जे 22 लीटर दे रही है तो 11 लीटर इन्हों का खर्चा काट लो तो 11 लीटर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ 20 लीटर देगी तो 10 लीटर इन्हों का खर्चा काट लो 10 लीटर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚ ਜਾਏ ठीक हो गया अच्छा सर हूँ यह दसो कि इनवायरमेंट के मुताबिक सर्दियों बेहतर रहिंदियां या गर्मियों च सर जड़ियां है ना फ्रीजन ये तो तकरीबन सर्दियों बेहतर रहिंदियां ठीक हो गया तो जड़ियां होंदियां ना क्रास च गर्मी सर्दी दोनों बर्दाश्त कर लेनी अच्छा जो इंपोर्टेड नस्लों ने ना उन्होंने सिर्फ सर यानी कि सर्दी की बेहतरीन रहिंदियां ने अगर गर्मी हो फिर उन्होंने वास्ते उन्होंने इंतजाम करना पैंदा पखे वगैरह कूलर वगैरह ये चीज है ठीक है अच्छा सर हूँ काफी सारे लोग है पूछते पे ने कि भाई जिवें लोगों ने फार्म बनाए हुए ने जी जी ऐ सिर्फ उन फार्मा च ही रह सकदी है एक देसी माहौल जिवें है कि भाई आम कंस्ट्रक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਚ ਵੀ ਸਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਸ਼ਰੋਂ ਮਾਛੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਕੀਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जी तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे तब तक अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़।